लालू नाम कैसे पड़ा? लालू का नाम लालू कैसे पड़ा? इसकी कहानी एक बार उनकी बहन गंगोत्री देवी ने सुनाई थी। बचपन में लालू गोरे थे, गोल मटोल थे और भाइयों में सबसे छोटे थे, इसलिए पिता कुंदन राय ने उनका नाम लालू रख दिया। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1947 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में हुआ था। लालू ने स्कूल की पढ़ाई गोपालगंज में ही की। लालू ने पटना विश्वविद्यालय के कॉलेज से पढ़ाई की। बीएन कॉलेज से लालू ने राजनीतिक शास्त्र में एमए किया। कॉलेज के जमाने से लालू छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे। लालू जब कॉलेज में थे तभी जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन शुरू किया था। लालू उसी समय जेपी के साथ जुड़ गए। चपरासी क्वार्टर से सीएम हाउस तक। लालू के पिता कुंदन राय थे। पिता खेतिहर मजदूर थे। उनका बचपन गरीबी में गुजरा। उनके भाई को चपरासी की नौकरी मिली तो वो पटना में चपरासी क्वार्टर में रहने लगे। कहा जाता है कि सीएम बनने के बाद भी 4 महीने तक वो पटना में चपरासी क्वार्टर में रहे थे। आज लालू परिवार पर 200 करोड़ की संपत्ति जुटाने का आरोप लग रहा है। राबड़ी और लालू की लव स्टोरी 14 साल की उम्र से शुरू हुई थी। 1973 में लालू जब छात्र नेता थे तब 14 साल की उम्र में राबड़ी से उनकी शादी हुई थी। लालू और राबड़ी की 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। इस समय लालू का जो परिवार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा है उसमें लालू की बड़ी बेटी मीसा और दामाद शैलेश, बेटी रागनी और चंदा, डिप्टी सीएम बेटा तेजस्वी शामिल हैं। लालू और राबड़ी 7 बेटियों की शादी कर चुके हैं लेकिन 2 बेटों की शादी अभी होनी है। लालू राबड़ी की सबसे बड़ी बेटी हैं मीसा भारती। मीसा भारती राज्यसभा की सांसद हैं। जब मीसा भारती का जन्म हुआ था तब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और लालू यादव जेल में थे। लालू पर नॉन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा की धारा लगी थी। लालू ने मीसा का नाम मीसा एक्ट के नाम पर ही रख दिया। मीसा भारती ने MBBS की डिग्री ली हुई है। उन्होंने MBBS परीक्षा में टॉप किया था। उन्हें डॉक्टरी करते हुए कभी देखा नहीं गया। लोग उनकी डिग्री पर भी सवाल उठाते रहते हैं। देश में बेटा बेटी को राजनीतिक विरासत सौंपने की पुरानी परंपरा रही है लेकिन 1997 में लालू ने पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का सीएम बनाकर सनसनी मचा दी थी। चारा घोटाले के कारण लालू को सीएम की गद्दी छोड़नी पड़ी। तब लालू के बच्चे राजनीति से कोसों दूर थे। पार्टी में किसी और पर भरोसा करने के बजाय लालू ने बिल्कुल घरेलू महिला राबड़ी देवी को बिहार के सीएम के रूप में शपथ दिला दी। राबड़ी की बदौलत लालू कई साल तक बिहार पर राज करते रहे। बाद में लालू की राजनीतिक वापसी हुई लेकिन लालू ने बिहार की कमान राबड़ी को सौंपे रखी और खुद केंद्र में रेल मंत्री बन बैठे। राबड़ी 3 किस्त में 1997 से 2005 तक बिहार की सीएम बनी रही। लालू का राजनीतिक समधियाना। लालू खुद तो राजनीति में है, अपनी कई बेटियों की शादी भी उन्होंने राजनीतिक परिवारों में की। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव उनके समधी हैं। मुलायम के पोते तेज प्रताप यादव से लालू ने अपनी सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी की शादी की है। समाजवादी पार्टी के एक और नेता जितेंद्र यादव उनके समधी हैं। लालू ने अपनी बेटी रागनी की शादी जितेंद्र यादव के बेटे राहुल से की है। जितेंद्र गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। हरियाणा के कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव भी उनके समधी हैं। बेटी धन्नू की शादी कैप्टन अजय यादव के बेटे राव चिरंजीव से हुई है। कैप्टन अजय हरियाणा की कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। चिरंजीव हरियाणा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लालू, नीतीश, रामविलास पासवान और शरद यादव ये सारे दोस्त थे जो जेपी आंदोलन से जुड़े। इन सभी ने मिलकर जनता दल नाम की पार्टी बनाई थी लेकिन राजनीति में सबसे पहले और सबसे ज्यादा तरक्की लालू ने ही की। 29 साल की उम्र में लालू लोकसभा सांसद बन गए। 1990 में बिहार के सीएम बने। चुनाव जीतकर 1995 में दोबारा सीएम बने। 1997 में लालू ने दोस्तों से किनारा करके अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनाई जो आज भी चल रही है।
गरीबी में भी बिताई है, मवेशियों को भी चराया है। अपने अतीत को याद रखते हुए लालू जब सीएम बने तब उन्होंने 1991 में चरवाहा विद्यालय की शुरुआत की थी। गांव में मवेशियों को चारा खिलाने वालों को चरवाहा कहा जाता है। लालू की सोच ये थी कि बच्चे जब मवेशियों को चारा खिलाने निकलेंगे तब पढ़ भी सकेंगे। गांव में स्कूल और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चरवाहा विद्यालय की सोच ने अंतर्राष्ट्रीय चर्चा बटोरी थी। सरकार के सर्व शिक्षा अभियान में भी चरवाहा विद्यालय को शामिल किया गया। बिहार के वैशाली जिले के गोरौल प्रखंड में इस बिल्डिंग में देश का पहला चरवाहा विद्यालय खुला भी, लेकिन तस्वीर बता रही है कि लालू की ये योजना कभी लागू नहीं हो सकी। अब ये सुनने को मिल रहा है कि पहले चरवाहा विद्यालय की बिल्डिंग में केला अनुसंधान संस्थान खुलेगा। भूरा बाल हटाओ। लालू जाति की राजनीति से उपजे नेता है। 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद उपजी लहर में ही लालू चुनाव जीत कर सीएम बने थे। लालू पिछड़ी जाति की राजनीति करते रहे हैं। शुरुआती राजनीतिक जीवन में लालू ने नारा दिया था भूरा बाल हटाओ, मतलब ऊंची जाति के भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ को हटाओ। लालू के इस नारे ने परसों तक बिहार में करिश्मा दिखाया और अगड़ी जाति के प्रति बैर भाव रखने वाले लालू बिहार में राज करते रहे। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लालू ने बिहार में जब राज करना शुरू किया था तब उनके आसपास कोई विपक्षी ताकत थी नहीं। कांग्रेस कमजोर थी और बीजेपी उभर नहीं पा रही थी। लालू लगातार चुनाव जीत रहे थे। लालू ने नारा दिया था जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। सचमुच 1990 से लेकर अब तक 2-1 साल को छोड़कर लालू का राज खत्म नहीं हुआ है। पहले लालू सीएम रहे, फिर पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाकर केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। चारा घोटाले में सजा याफ्ता होने के कारण वो विधायक, सांसद, सीएम तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके बेटे तेजस्वी डिप्टी सीएम है, दूसरा बेटा मंत्री है और बेटी सांसद। उन्नीस सौ नब्बे में लालू जब बिहार के सीएम बने थे तब उन्होंने बिहार के विकास के बड़े बड़े वादे किए थे। बदहाल सड़कों को ठीक करने का वादा करते करते वो ये कह गए कि वो बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल जैसी बना देंगे। तब लालू के इस बयान की जबरदस्त आलोचना हुई थी। लालू राज में कभी बिहार की सड़कों का भला नहीं हो पाया, लेकिन इस बयान की चर्चा अक्सर होती है। अभिनेत्री हेमा मालिनी को लेकर लालू का प्रेम कई बार सार्वजनिक तौर पर आ चुका है। पिछले साल अक्टूबर में शो के लिए हेमा मालिनी पटना में आई तो लालू ने खुलेआम अपने प्यार का इजहार कर दिया। कहा कि हेमा मालिनी जी के नाम पर ही उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा है। हेमा जी को नहीं पता कि वह उनसे कितना प्यार करते हैं। लालू जब हेमा मालिनी के बारे में ये सब कह रहे थे तब हेमा मालिनी बीजेपी की सांसद भी थी। एक बेटी हमारी है, हेमा जी को भी पता नहीं होगा, आज हम उनको बता दें कि आपको इतना प्यार करते हैं हम लोग। मैनेजमेंट गुरु लालू। लालू ने अपने ठेठ देसी और गवई अंदाज पर कभी पर्दा डालने की कोशिश नहीं की। इसके बाद भी लालू मैनेजमेंट गुरु बने। 2004-05 में जब लालू रेल मंत्री बने थे तब रेल घाटे की बताई जाती थी। लालू के समय प्रॉफिट हुआ तो लालू के फंडे मैनेजमेंट स्कूल के फंडे बन गए। आईआईएम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से लालू को ऑफर मिले कि आइए फायदे का फंडा बताइए। मैनेजमेंट गुरु प्रोफेसर लालू की रेल नाम से किताब भी छप गई। में लालू यूपीए 1 की सरकार में रेल मंत्री बने थे। लालू जब तक रेल मंत्री रहे उन्होंने रेल का किराया बढ़ने नहीं दिया। एक बड़ा प्रयोग उन्होंने किया था रेलवे कैटरिंग में और रेलवे प्लेटफॉर्म पर उन्होंने मिट्टी के बर्तन यानी कुल्हड़ में चाय की बिक्री शुरू कराई। हालांकि अब रेल में कुल्हड़ में चाय नहीं मिलती। ऐसा माना जाता है कि लालू के समय भारतीय रेल प्रॉफिट में आ गई थी। 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर बने और बीजेपी का राजनीतिक रथ चल निकले। इस शपथ के साथ बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली थी।
आडवाणी के रथ यात्रा को बीजेपी के राजनीतिक विकास का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तब लालू बिहार के सीएम बने थे, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में लालू और आडवाणी दोनों थे, लेकिन लालू ने ही आडवाणी का रथ बिहार के समस्तीपुर में रोकने की हिम्मत दिखाई थी। एक चूहा भी नहीं रंगा, एक फोटो भी नहीं छपा। कैसे गिरफ्तार हुए, कैसे लूट किया हमारा पुलिस, कैसे मसान जोर में ले आके पहाड़ में लूट किया। लालू के कारण न आडवाणी के रथ यात्रा अयोध्या पहुंच पाई, न राम मंदिर बन पाया। लालू चारा घोटाले के भुक्तभोगी हैं, जो उनके सीएम रहते हुआ था। 25 साल से लालू के साए की तरह है चारा घोटाला। चारा घोटाला 900 करोड़ का था। लालू को 5 साल की सजा मिली हुई है और वो अभी जमानत पर जेल से बाहर है। सजा मिलने के कारण ही लालू चुनावी राजनीति से बाहर है। 5 साल की सजा पूरी होने के बाद भी 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि बेटा बेटी के जरिए उनका परिवार सत्ता का सुख भोग रहा है और वो आरजेडी अध्यक्ष बने हुए हैं। जेल भेजने वाले जज लालू के जूनियर। 2013 में जब लालू को चारा घोटाले में सजा हुई थी, तब लालू को भी मालूम नहीं था कि उनका राजनीतिक भविष्य जिस जज के हाथ में है, वो कभी उनके जूनियर थे। कोर्ट में ये खुलासा खुद जज पीके सिंह ने किया था। मेरी मौत के बाद बनेगा झारखंड। लालू ने बिहार के विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया। जब झारखंड को बिहार से अलग करने की मांग उठती थी, तब लालू यहां तक कहते थे कि झारखंड मेरी मौत के बाद बनेगा। साल 2000 में लालू ने ये बयान दिया था। हालांकि लालू की एक नहीं चली। 2001 में एनडीए शासन ने बहुमत के बल पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का बंटवारा करते हुए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य बना दिए थे। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. लालू प्रसाद अपने बोलने की शैली के लिए मशहूर हैं। अपनी बात को कहने का लालू यादव का खास अंदाज है। लालू लुंगी बनियान पहनकर भी नेशनल टीवी पर आकर इंटरव्यू देने में संकोच नहीं करते हैं। कई कलाकारों ने लालू की नकल करके ही अपनी एक्टिंग की दुकान चला ली। आपने विंडोज के बारे में तो सुना होगा ना? विंडो है हमारा, ट्रेन में भी लगाया विंडो, सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लगाने वाला हूँ ट्रेन में भी। लालू की कुर्ता फाड़ होली। लालू को देश में कुर्ता फाड़ होली का जनक माना जाता है। सीएम होते हुए भी होली पर लालू के घर जबरदस्त रंग जमता था। छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ लालू होली खेलते थे। लालू खुद ढोल के साथ शुरू हो जाते थे। लालू की वो होली कैसी होती थी, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि बाद में लालू के घर कुर्ता फाड़ होली का सिलसिला खत्म हो गया। लालू का क्रिकेट प्रेम। राजनीति के धाकड़ खिलाड़ी लालू क्रिकेट में भी हाथ आजमा चुके हैं। लालू बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन उनके एसोसिएशन को कभी बीसीसीआई ने तरजीह नहीं दी। तेजस्वी बिहार रणजी टीम में क्रिकेटर रहे। तेजस्वी 4 सीजन तक दिल्ली डेयर डेविल्स टीम में रहे, लेकिन कभी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना सके। लालू यादव की 25 कहानियां।